वार्ड क्रमांक 61 से एनसीपी की उम्मीदवार रजिया कुरैशी अपने वार्ड में चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वैसे इस वार्ड की बात करें तो यहां पे आज भी लोगों को बिजली, पानी और बाथरूम की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन हालातों को देखकर रजिया कुरैशी ने कहा कि अगर मैं इस वार्ड में चुनकर आती हूँ तो इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए सुनते हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान रजिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम रजिया कुरैशी, मैं वार्ड नंबर 61 से खड़ी हूँ। अल्लाह जरूर अगर जीत गई तो जरूर करना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत सी तकलीफें है, देखी है मैंने, ये प्रचार के वक्त मैंने देखा है यहाँ पर गटरों की और पानी की और रस्तों की बहुत सी समस्या है यहाँ पर, जो बहुत परेशान है लोग, जो बेवाओं को जो फंड जाते हैं वो उनको नहीं मिलते हैं, बहुत सी तकलीफें हैं। जो करना चाहती हूँ इंशाल्लाह अगर मैं जीतती हूँ यहाँ पे तो। यहाँ पर सबसे पहला मेरा ये मुद्दा रहेगा विकास का, वाटर। सेकेंड यहाँ पे ये रहेगा डेवलपमेंट में, मुझे यहाँ पे जो आज लोगों के घरों में आज मोदी जी का नारा है कि हर घर में शौचालय, ये शौचालय तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं दिखेगा नहीं। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा शौचालय पेन यूज है, घरों में शौचालय नहीं। आज मोदी जी ने निवडणूक अधिकारियों से ये कहा है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनके घरों में, खुद के घरों में बाथरूम है या नहीं। आज जो स्लम का कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उसके घर में बाथरूम है या नहीं। जब आपने इतना बड़ा मुद्दा लाया तो कैंडिडेट के घर में बाथरूम के लिए आप सुविधा तो दीजिए, तो आप पूछिए ना। आपने लाया विकास के ऊपर मुद्दा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और थर्ड ऑप्शन में ये रहेगा, क्योंकि जो गटर के ऊपर का जो फंड होता है वो खाया जाता है। आज यहाँ पे अगर आपका कैमरा अगर घुमा सकते तो आप देख लीजिए गटर किस तरीके से, घरों के ऊपर, गटरों के ऊपर घर बंधे हुए हैं, क्योंकि घर जैसे जैसे बनते जा रहे हैं गटर उसके ऊपर हाइट में आते जा रहे हैं, घर नीचे दबते जा रहे हैं। लोगों को पानी की समस्या, 26 जुलाई में इस जगह पे सबसे ज्यादा पानी भरा था, क्योंकि 2005 की जो 26 जुलाई आई थी उसमें स्लम में ये डिक्लेयर कर दिया था जीआर में गवर्नमेंट ने कि सबको 14 फीट हाइट का परमिशन दिया गया। उसके बाद में 12 और 14 फीट के हाइट के परमिशन के ऊपर भी पुलिस भी आ रही है, बीएमसी भी आ रही है, नगर सेवक को भी दिया जा रहा है। ये चीज मैं नहीं कराऊंगा और यहाँ पे लोगों को जो परमिशन है वो लीगलाइज कराऊंगा। और यहाँ पे जो स्लम का जो एसआरए का मसला है, एसआरए यहाँ पे जितने जल्दी हो सके, जितने तादाद में हो सके, लोगों को मैं घर दिलाने का वादा करता हूँ। ये उबेद साबरी आज अपनी मिसेस के द्वारा आप लोगों के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो वचननामा है, ये वचननामे के तहत जो बच्चों की जो स्कूल के जो बस की जो फीस होती है, जिसे हम बेस्ट कहा जाता है, बेस्ट में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भाड़ा दिया जाएगा, यहाँ से बच्चा स्कूल बकायदा जाया जाएगा। और यहाँ पे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल दो हैं, एक तो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, एक पोशुरा बीएमसी हॉस्पिटल है। इसके अंदर मैं ऐसी सुविधा लाना चाहता हूँ बीएमसी के माध्यम से, अगर मेरा कैंडिडेट जीत के आता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी, ये लोगों से मेरा वादा है, आते 5 सालों में पोशुरा बीएमसी हॉस्पिटल सिद्धार्थ हॉस्पिटल की तरह अगर नहीं हुआ तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। और ये मैं मेरे वाइफ के ऊपर से बोल रहा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आश्वासन नहीं देती, अपना वादा पूरा करती। आपको देखना है वादा कहाँ पूरा हुआ है, तो आप जा सकते हैं पुणे महानगर पालिका हमारे पास है। विकास किस तरीके से किया जाता है, पुणे तो कम से कम आपको 4 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता देता हूँ आपको नवी मुंबई। नवी मुंबई का विकास हमारा विकास है, वहाँ पे महापौर हमारा है, हमने वहाँ पे लोगों के घरों के पैसे नहीं लिए, लोगों को घर बना के दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। वहाँ पे हमारे लिए बीएमसी का कोई अधिकारी रोड डेवलपमेंट में नहीं जाता है, यहाँ के लोगों ने बस रोड डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को झूठ बोला है और आश्वासन दिया है हम ये चीज नहीं करेंगे। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आश्वासन है, हम आने के बाद विकास करेंगे। अगर हम नहीं भी आते यहाँ के लोगों से अगर कुछ रहेगा तो भी हम आने के 5 साल बाद यहाँ पे डेवलपमेंट करके दिखाएंगे।